नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल 2022 का मुकाबला नंबर 58 खेला गया डीवाई पाटिल स्टेडियम में, और ये मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। और इस मुकाबले में दिल्ली के जाबाज यानी दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है राजस्थान के रजवाड़ों पर भारी पड़ी और 8 विकेट से एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को जीत लिया है। और इस मुकाबले को जीतने के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ्स में अपनी जो उम्मीदें हैं उनको बरकरार रखा है। प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने की जो दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें हैं वो अब भी जिंदा है। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स तो अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर सॉलिड पोजीशन में है, लेकिन इस मुकाबले को गंवाने के बाद अब राजस्थान को भी अपना जो है अगले 2 मुकाबलों में से एक मुकाबला कम से कम जीतना ही होगा। तो इस मुकाबले को जीतने और हारने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमने आपको बताया कि लूजिंग कैप्टन संजू सैमसन ने किसको हार का जिम्मेदार ठहराया, तो वही अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जीतने वाले कप्तान ऋषभ पंत ने क्या कुछ बातें कही हैं। और पृथ्वी शॉ जो कि 2 मुकाबलों से प्लेइंग 11 में नहीं है, आप हम सब जानते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी है। पृथ्वी शॉ को आखिर हुआ क्या है? ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इन बातों का खुलासा किया है, साथ ही साथ जीत क्यों जीती है टीम ये भी बताया है। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको मैच का लेखा जोखा बता देते हैं। टॉस ऋषभ पंत ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जो है मतलब नहीं किया, मतलब पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और राजस्थान से कहा कि आइए और बैटिंग पहले करिए। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस के वक्त कहा था कि भाई बैटिंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बैटिंग करी और 160 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। अश्विन ने 50 रन बनाए, 48 देवदत्त पाडिकल ने बनाए और 48 और 50 उसके अलावा कोई कुछ खास योगदान नहीं दे पाया। खुद संजू सैमसन, कप्तान संजू सैमसन सस्ते में निपट गए, सस्ते में निपटे जॉश बटलर। यशस्वी ने थोड़ी सी कोशिश जरूर करी और कोशिश करी रासी वेंडर ड्यूसन ने, और इन तमाम कोशिशों का नतीजा रहा कि 160 रन बना पाई राजस्थान रॉयल्स और 161 रनों को चेस करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लिया। मिचेल मार्च ने पहले गेंदबाजी करते वक्त 2 विकेट हासिल किए, फिर बल्लेबाजी करते वक्त 89 रनों की पारी खेली, तो जाहिर सी बात है कि उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि बहुत ही क्लोज मैच था और आप हर एक मुकाबले के बाद जो है कुछ ना कुछ सीखते हो, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टॉस के वक्त जो है मैंने ये बात साफ कर दी थी कि 140 से 160 रन तक हम कोशिश करेंगे राजस्थान को रेस्ट्रिक्ट करने की, और वही किया क्योंकि मुझे पता था कि इस पिच पर बॉल जो है वो घूमेंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि टॉस अगर मैं हार भी जाता तो कोई गम नहीं था, क्योंकि आप बैटिंग पहले करें, बॉलिंग पहले करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड जो है आपको डेस्टिनी भी मतलब आपका साथ देती है कई बार, और आज के मुकाबले में जो है डेस्टिनी ने भी हमारा साथ दिया। इसके बाद ऋषभ पंत यानी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने अपने सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ पर भी अपडेट दिए। पृथ्वी शॉ कुछ वक्त हो चुका है अब उनको, वो अस्पताल में एडमिट है, लेकिन क्यों एडमिट है ये बात हर किसी को जाननी है। तो ऋषभ पंत ने कहा कि उनको टाइफाइड हुई है और इस वजह से वो टाइफाइड या ऐसी कुछ ऐसा ही कुछ उनको हुआ है जिस वजह से वो अस्पताल में एडमिट है। ये एग्जैक्ट उनके शब्द है, टाइफाइड और समथिंग लाइक दैट, ये उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा है। अभी जो है उनको भी क्लियर नहीं है, मतलब कप्तान ऋषभ पंत को भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन टाइफाइड या ऐसा ही कुछ हुआ है ये उन्होंने कहा है। तो पृथ्वी शॉ आखिर क्यों अस्पताल में एडमिट है, अगर आप लोगों को ये बात जाननी थी तो इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ऋषभ पंत ने इन बातों का खुलासा कर दिया। और मैच में जो जीती है दिल्ली कैपिटल्स उसके लिए कर्मा डेस्टिनी को भी थोड़ा सा जो है मतलब वो कहते हैं ना कि दिया है फेवर, मतलब ये कहा है कि डेस्टिनी का भी हमको साथ मिला है, तो क्रेडिट दिया है डेस्टिनी को भी। लेकिन इस वीडियो के एंड में आप लोगों से एक सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से जीती है दिल्ली कैपिटल्स
क्या लगती है आपको, वजह क्या है इसके पीछे? क्या वाकई डेस्टिनी की वजह से जीती है या फिर कोई और वजह है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।